आप क्या समझती हैं कि अचीवमेंट्स डालने चाहिए तो किस तरह से अचीवमेंट्स को सी के अंदर मेंशन करना है हमें इतना मतलब किया जाता है डिग्रेड किया जाता है हम अपनी अचीवमेंट्स को ना खुद भी अचीवमेंट नहीं समझते सबसे पहली चीज़

हाज़िर है दोस्तों सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का क्या आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है और उसी फीडबैक पे हम अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो रखते हैं दोस्तों आपका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीडबैक था कि हसन भाई सीवी के ऊपर बात की जाए अक्सर का देखा गया है कि हमें इंटरव्यू की कॉल नहीं आती हमें जॉब नहीं मिलती और हम कह रहे होते हैं कि यार हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता क्या हम अपने लिए कुछ करते हैं ये सी किस तरह का होता है और ये रेज्यू में हम अक्सर कहते हैं सी वी और रेज्यू में क्या होता है अच्छा सी किस तरह बन सकता है इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक सीज़ ए नेचर प्रोफेशनल को लेडीज एंड जेंटलमैन इनका नाम है निदा हावर निदा इज करेंटली वर्किंग एज ए मैनेजर एच आर टेक्निफिटी आइए मिलते हैं निधा से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन सो निधा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग आज आप हमारे साथ हैं वेलकम ऑन बोर्ड अच्छा हम टॉपिक पे तो जरूर डिस्कशन करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सी किस तरह का होना चाहिए आप ये बताइए कि जो आप एच आर में माशाल्लाह आई और एच आर में आना आपका बाय बाय चांस था या था या चॉइस एक्चुअली हसन भाई इसको हम बाय चांस भी कह सकते हैं और बाय yeah. चॉइस भी कह सकते हैं क्योंकि मेरा जो लाइक like, रही है एजुकेशन रही है मतलब आई वाज नॉट श्योर लाइक हमारे जिस तरह होता है बहुत सारे लोग दे आर नॉट श्योर कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है आई वॉज वन मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिली मेट्रिक इन बायोलॉजी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस एक्चुअली मुझे शौक था टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें नहीं कर सकी दैन आई स्टार्टड माई लाइक इन बैचलर्स इन कॉमर्स उसके बाद मास्टर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस फिर आई स्टार्टड माई जॉब इन रोजी डॉट पी के एज अ करियर काउंसलर सो देन मुझे पता चला लाइक आई फेल्ट के दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर मी एंड एच आर में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट डिवेलप हुआ और मुझे लगा दैट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है उनके साथ लाइक like, पीपल मैनेजमेंट में मैं अच्छी थी सो आई मेड माई माइंड मैंने अपना मास्टर्स परस्यू किया इन एच आर और फिर आई शिफ्टड टूवर्ड्स एच आर सो पहले बाई चांस था फिर बाई चॉइस था और अब मैं उसी फील्ड में जो है कंटिन्यू कर रही हूँ और अलहमद अब उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी एक्सपोजर हो चुका हुआ है सो बाई चांस भी कह सकते हैं और बाय चॉइस भी कह सकते हैं तो so, उसमें इस तरह से है कि Uh, मैं स्टार्ट करूँगी फ्रॉम रोजी डॉट पी के रोजी डॉट के में आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर करियर काउंसलर तो उसमें बेसिकली हमारा काम यही था कि हमारे पास कैंडिडेट्स हम कैंडिडेट्स को अप्रोच करते थे और उनको उनकी सीवी के बारे में ही गाइड करते थे कि वो कहाँ पे लैक करें और ये आज का हमारा टॉपिक्ट एग्जैक्टली सो मतलब हम लोगों को ये होता है कि बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स इवन उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह से अप्लाई करना है किस तरह से सीवी को मेंटेन करना है क्या चीज़ें हैं अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे पहली हमारी सीवी में एक चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव अच्छा पीपल आर नॉट अवेयर कि किसको अपनी सीवी में ऑब्जेक्टिव लिखना है और किसको अपनी सीवी में करियर समरी लिखनी है लाइक like, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते थे कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही लाइक like, हमारा 20 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड हमारे पास इंटरनेशनल एक्सपोजर है मतलब फुल पैकेज बट हमारी सी वी को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा द रीज़न बिहाइंड इट सबसे पहली चीज़ कि ऑब्जेक्टिव इज़ बेसिकली फॉर फ्रेशर्स ठीक है ये किसी भी सीनियर जो प्रोफेशनल है उसकी सी वी में नहीं होना चाहिए लेकिन लोग लिखते हैं ठीक है लोग सीनियर प्रोफेशनल्स की सीवी में होना चाहिए करियर समरी और उसमें उनको चाहिए कि वो प्रिसाइजली लिखें कि हमारा इतने इयर्स का इस फील्ड में ये एक्सपीरियंस है और हमने थ्रू आउट ये चीज़ें की हैं ये हमारी एक्सपर्टीज़ हैं सबसे पहली गलती तो यहाँ पर आती है ठीक है उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखें हम लोग ना बींग एन ह्यूमन बींग विजुल्स हमें अट्रैक्ट करते हैं अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फंकी कलर्स ले लेते ले ले हैं फॉर्मेट्स इतने लाइक like, उसमें बहुत सारी लाइक like, आप शेप्स डिफरेंट यूज़ की होती हैं और बहुत सारे कलर्स होते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि बीइंग का प्रोफेशनल आपको इस तरह के फॉर्मेट्स यूज करने चाहिए अच्छा ये बताइए कि अक्सर ये देखा गया है कि जो पिक्चर होती है जी वो भी डाल दी जाती है कोई मेहंदी की डाल दी जाती है कोई बारात की डाल दी जाती है डिफरेंट फंक्शन की तो आप क्या समझती हैं कि जो पिक्चर है वो कितना इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए और कोई डिफरेंट पोजेज़ में नहीं होनी चाहिए इट मस्ट बी आ हेड ठीक है प्रॉपर आपकी ये प्रोफेशनल पिक्चर हो क्योंकि देखें आपका एक आपने जब आना है मीटिंग के लिए वो तो आपने बाद में आना है आपकी पहला इंप्रेशन आपकी सीवी से आपकी पिक्चर से जा रहा है अगर वही इम्प्रेशन एक प्रोफेशनल नहीं जा रहा अच्छा नहीं जा रहा तो फिर ऑब्वियसली आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी तो वहीं पे आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाती है ठीक है पिक्चर होनी चाहिए सीवी में बट इट शुड बी वेरी प्रोफेशनल सेकेंडली हम लोग अपनी सीवी में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी ख्याल नहीं करते हैं समटाइम्स मेरे पास बहुत सारी सीवीज़ ऐसी आती हैं सीवीज़ अच्छी होती हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा है सारी चीज़ें अच्छी हैं अब पता नहीं उनको जल्दी होती है क्या होता है या तो कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता या उनका ई एड्रेस नहीं होता तो फिर ऐसी सीवी का कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर मेंशन नहीं होता मेंशन नहीं होता क्योंकि वो जल्दी में भेज रहे होते हैं और वो डालना भूल जाते हैं exactly. उन्होंने अपना नाम लिखा होता है कि हमारा ये नाम नाम है। लिखा होता है नाम भी नाम में एक बहुत बड़ी गलती होती है देखें आपका जो सीवी है वो भी आपका एक डॉक्यूमेंट है प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अब लोग क्या करते हैं सी एन आई सी पे कोई और नेम जो डिग्रीज हैं उन पर कोई और नेम उनकी सी वी पर कोई और नेम फेसबुक पर कोई और नेम लिंक पे तो बिल्कुल ही कोई और नेम तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि वो फिर आपकी जो है ना आइडेंटिटी hmm. वो आप मतलब अगर कोई आपको सर्च कर रहा है ऑन लिंकड इन ऑन एनी प्लेटफॉर्म तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है नेम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी एन आई सी आपको उसको प्रॉपरली लिखना चाहिए इसको फॉलो करना चाहिए एक तो प्रैक्टिस को सेकेंडली लोग अपनी सी वी में अपने लिंकडिन का जो लिंक है पोर्टफोलियो है डिफरेंट चीज़ें हैं उनके लिंक्स नहीं देते तो उस लिहाज से जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फॉर द एम्प्लॉयर क्योंकि आजकल आपको पता है लिंकडिन लिंकडिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है लाइक बीइंग एन एम्प्लॉयर एंड बीइंग एन एम्प्लॉई आपने किसी कंपनी को ज्वाइन करना है या आपने किसी कैंडिडेट को जो है सर्च करना है आप सबसे पहले उसकी लिंकडिन प्रोफाइल देखते हैं तो इट शुड बी वेरी अपडेटेड एंड एक्यूरेट अब हम लोग तो लिंक ही नहीं देते तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है फिर ईमेल एड्रेस ई मेल एड्रेस हम लोग किस तरह के देते हैं आप यकीन करें हसन भाई कि ऐसे ऐसे ई मेल एड्रेस आते हैं कि बाकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं लेकिन उनकी ना मैच्योरिटी लेवल उनकी सारी चीज़ों का अंदाज़ा ना उनके ई मेल एड्रेस से हो रहा होता है तो उसका भी थोड़ा बताएंगे आप हमें को कोई शाकार जो याद हो आपको इस तरह के तो परफेक्टली yes, शायद right. वो उस तरह से मेरा ख्याल है कि शायद एक इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता आपका एक अच्छा प्रॉपर ईमेल जो है वो होना चाहिए जिसपे जो है लोग समझे कि यार ये एक प्रोफेशनल कैंडिडेट uh, है आपने अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म में करना है यूज़ आप पर्सनल आप उसमें कर सकते हैं exactly. राइट अच्छा अब जरा हम बात कर लेते हैं जो अचीवमेंट्स अक्सर अवतार कैंडिडेट्स अपने सी में डालना भूल जाते हैं वो लंबी लंबी कहानियाँ तो बता रहे होते हैं लेकिन अचीवमेंट्स उसके ऊपर नहीं डालते तो आप क्या समझिए कि अचीवमेंट्स डालने चाहिए तो किस तरह से अचीवमेंट्स को सीवी के अंदर मेंशन करना चाहिए बिल्कुल अच्छा अचीवमेंट्स में ना एक्चुअली हसन भाई हमारा ना शायद हमारे लोगों की ये मैंटेलिटी है या हमें इतना मतलब किया जाता है डिग्रेड किया जाता है हम अपनी अचीवमेंट्स को ना खुद भी अचीवमेंट नहीं समझते तो हमें लग रहा होता है कि पता नहीं हम ये सीवी में लिखेंगे तो इसका कोई एक गलत इंप्रेशन ना चला जाए यहाँ पता नहीं लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है बट आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि आपने ये एक चीज़ की है इस पर आपको अप्रिसिएशन मिली है या आप ख़ुद सेटिस्फाइड हैं कि मैंने ये एक बहुत अच्छा काम किया है तो इट इज़ योर अचीवमेंट यू मस्ट मैंशन इट इन योर सी और उसको बहुत तरीके से प्रिसाइजली ये नहीं कि आप लंबी लंबी कहानियाँ लिखेंगे वंस अपॉन अ टाइम ऐसे हुआ था ऐसे नहीं प्रॉपर आप प्रिसाइजली उसको लिखें अपने इंटरव्यू में उसको एक्सप्लेन करें सेकेंडली हम अपनी स्किल्स पे फोकस नहीं करते अब मैं वही रोजी के साथ इसको कनेक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरा इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है कि कहाँ पर कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं अब हम लोग अपने स्किल्स पर फोकस नहीं करते स्किल्स में वही बेसिक हम लोग चीजें लिख देते हैं वो जो हमने गूगल से ली या इस तरह से हम लोग ना अपनी सीवी पे उस तरह से exactly. हम 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 फोकस करते नहीं करते, नहीं करते उस तरह है। तरह से exactly. हाँ। उसमें ये है कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई हैं सबसे पहले आप उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें कंपनी पे थोड़ी सी रिसर्च करें उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी सी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें झूठ नहीं लिखना पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं उनकी सी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी होती हैं मतलब काइंड ऑफ इंटरव्यूअर जो समटाइम्स बिल्कुल सी से क्वेश्चन नहीं पूछती और समटाइम्स मैं बिल्कुल सी से पूछ रही होती हूँ अब जब मैं सी से पूछती हूँ ना तो कैंडिडेट्स आर लाइक के hmm. पता नहीं फिर एंड पे कोई कंक्यूजन निकलता है कि इन्होंने सीवी वी यहाँ तो कॉपी पेस्ट की है या किसी से बनवाई है तो सीवी किसी से बनवाने का डॉक्यूमेंट नहीं है वो आपकी जर्नी है आपकी अचीवमेंट्स हैं आपकी सारी चीज़ें हैं आपने अपनी सीवी पहली बात तो खुद बनानी है अचीवमेंट्स कम हैं कोई मसला नहीं है झूठ नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जब हम झूठ लिखते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम पकड़े जाते हैं और वो आपका एक बैड इंप्रेशन देते हैं मैं आपको एक थोड़ी सी एक एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट करती हूँ अपनी एक एग्ज़ाम्पल के साथ रिलेट करती हूँ मेरा एक जगह इंटरव्यू हुआ आई गॉट सेलेक्टेड मेरा सी के साथ डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ आई गॉट सेलेक्टेड आई गॉट एन ऑफ़र बट ना ऑल ऑफ अ सडन ही सेट कि हमारा ना एक क्राइटेरिया है आपका हमारे डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू होगा और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा कि वो लाहौर में नहीं थे वो इस कराची में थे आई सेट टोटली फाइन वहाँ पे मेरी भी गलती थी तब मेरा भी करियर का स्टार्ट था मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं था मैंने एम किया हुआ है इन बैंकिंग एंड फाइनेंस बट उसमें कुछ सेमेस्टर्स मेरे अभी पेंडिंग है वो कम्प्लीट नहीं था अब मेरे जहन में ये था कि मैं इंटरव्यू में बता दूंगी मैंने अपनी सीवी में लिख दिया कि एम बी एन बैंकिंग एंड फाइनेंस्यूड कंटिन्यूड नहीं लिखा कंटिन्यूड नहीं लिखा गलती की अब उनकी कॉल आई मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा है सारी चीज़ें अच्छी चीज़ जा रही हैं एकदम ना वो गए मास्टर्स पे वो थोड़ा सा हुए कि मैं अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रही हैं अच्छी डिग्री है उनका इंटरेस्ट डिवेलप हुआ उन्होंने सवाल पूछे तो आई वॉज़ लाइक कि ये तो कम्प्लीट नहीं है अभी मैं कर अभी मैं करना चाह रही हूँ अभी फ्रीज हुआ वह तो ही सेट ओके उनका ना इंटरेस्ट लेवल मुझे फील हो गया कि थोड़ा सा ना कम हो गया उसके बाद मुझे उनकी कॉल आई उनके सी के ही सेट के ये क्या किया तुमने मैंने कहा कि मैंने क्या किया मैंने तो ऐसी कोई भी बात नहीं की ही सेट कि कभी भी अगर आपकी चीज़ डिग्री कंप्लीट नहीं है मैंने कहा मैंने तो झूठ नहीं बोला मैंने तो उनको बताया उन्होंने कहा आपने झूठ नहीं बोला बट आपकी सीवी यही बता रही थी वो आपकी सीवी की वजह से शॉर्टलिस्ट आप हुई थी तो देन आई केम टू नो कि यहाँ पे मेरी ये गलती है हालांकि मैंने उसको मैनिपुलेट नहीं किया था बट मुझे था कि मैं इंटरव्यू में बता दूंगी लेकिन उससे क्या हुआ वो मेरी सारी वो जो mm. मेहनत थी वो सारी वेस्ट हो गई अपॉर्चुनिटी मेरी हाथ से चली गई फिर एक दफ़ा मैं अपने करियर में मैंने एक इंटरव्यू किया द गर्ल लाइक शी वॉज फाइन और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी सारी चीज़ें अच्छी थी इंटरव्यू में शी गॉड सेलेक्टेड मैंने उसको रख लिया डे बाई डे डे बाई डे इश्यूज़ आना शुरू हो गए उससे बोला नहीं जा रहा उससे क्लाइंट्स को हैंडल नहीं किया जा रहा कम्यूनिकेशन थी इन लाइक इंग्लिश सी वी बहुत अच्छा बना सी वी बहुत अच्छा बना रहा था इंटरव्यू भी, भी इतना बेहतरीन के मतलब हम एक्सपीरियंसड हैं डेली ये पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ लेते हैं लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जो बेवकूफ़ बना जाते हैं तो मैंने काफ़ी दफ़ा उसको पूछा किया उसके मैनेजर्स ने भी डायरेक्ट रिपोर्ट रिपोर्टिंग मैनेजर्स को उसने बताया कि नहीं कुछ नहीं है मैं कर लूँगी ऐसे है वैसे है एक दिन मैंने उसको अपने पास बुलाया साथ टीम लीड बुलाए मैनेजर बुलाए तो आप यकीन करें हसन भाई कि कॉलेज तो दूर की बात है यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल ही दूर की बात है उसकी लाइक आई गेस उसने सिर्फ सिक्स क्लास तक पढ़ा हुआ था स्कूल गई हुई थी फिफ्थ तक

कॉन्ट्रीब्यूट किया इवन दो हमारा टाइम बड़ा कम था पर आई थिंक यू हैव अ थिंक्यू बहुत आपका थैंक यू सो मच आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी दोस्तों निज़ा ने हमें ये बताया कि सीवी आपका जो है वो बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए और सीवी के अंदर आप वो लिखें जो एक्चुअली आप हैं सीवी के अंदर बहुत ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है और ऐसी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको नहीं आती और आप इंटरव्यू में अगर वो पूछे बंदा और आप ना बता सके तो फिर काफ़ी हद तक चांस है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें दुआओं में याद रखिएगा इन शरीब एक नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ आपकी हिमत में दोबारा हाज़िर होंगे